हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 3.6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट आप लोग बुक निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर उसको हल करना है, ठीक। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सरसाइज है हमारा 3.6। पहला क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, ठीक। और दूसरा समीकरण है 1/3x 1/2y इक्वल टू 13/6, ठीक है। हमारा दो समीकरण दिया हुआ है, इसको रैखिक युग्म में बदल कर हल करना है, ठीक। देखिए रैखिक युग्म में कैसे बदलेंगे इसको, देखिए 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें है, ठीक। ऐसे देखेंगे उसमें जो सेम रहेगा ना, तब इसको ऐसे करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसको, हल यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण दिया, देखिए 1/x को u मानेंगे और 1/y को v मानेंगे, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। हल ऐसे लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, ठीक। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, हल इसको समीकरण को लिखना होगा। देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। अब 1/x की जगह पर यू रखेंगे, 1/y की जगह पर भी, दोनों समीकरण रखेंगे, ठीक। यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर तो देखिए दोनों समीकरण रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1/x के है, तो यहाँ पर देखिए 1/x के क्या लिखेंगे, यू। तो देखिए इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/x। पहले एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग फास्ट करेंगे बनाने में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर 1/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 है, ठीक। तो इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/x। इसको गुना कीजिएगा तो वही हो जाएगा, 1/3x हो जाएगा। इसको भी उसी तरह लिख लेते हैं, 1/2 इंटू 1/y, और यह क्या है, 13/6, ठीक। अब देखिए 1/x की जब हमको लिखना है क्या, u, और 1/y की जब क्या लिखना है, हमको v लिखना है, ठीक। चलिए इसमें लिखते हैं इसको, देखिए 1/2। अब देखिए 1/x की जब क्या लिखना है, u, तो यहाँ पे u लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 1/3, और 1/y की जब क्या लिखना है, हमको v, तो यहाँ पे v लिखेंगे। अब बराबर में क्या है, 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, देखिए 1/3 लिख देंगे, और देखिए 1/x के जब क्या लिखना, हमको u लिखना है, तो u लिख देंगे यहाँ पर। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे यहाँ पर। 1/y के जब क्या लिखना है, v, तो यहाँ पर v लिखेंगे। और बराबर में क्या है, 13/6, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए ये समीकरण दिया, इसी को बोला था रैखिक समीकरण युग्म। देखिए यहाँ पर घात 1 है दोनों का, इसी को लगता है रैखिक समीकरण युग्म। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जो पिछले हम लोग जैसे सॉल्व किए हैं उसी तरह सबको सॉल्व करेंगे इसको भी। इसको प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुण विधि या विलोपन विधि, जो आपको ऐसा लगता है कोई विधि से बना सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, ठीक। कोई भी विधि से बना सकते हैं। चलिए हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि जो कि काफ़ी अच्छा होता है, सभी बच्चों को समझ में आता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले बैलेंस करेंगे, कोई सेम नहीं दिखाई दे रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करेंगे। ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक। अब देखिए यू का गुणांक क्या है, 1/2, तो समीकरण 2 में इसको गुणा कर देंगे, और यू का गुणांक क्या है, 1/3, तो इसके समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। अब 1/3 में सब टर्म में गुना हुआ, सभी टर्म में गुना होगा, तो 1/3 से 1/2 यू में गुना कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 1 में 1 से गुना, देखिए 1/2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, 1/6। देखिए उसी तरह बटा का गुना इसी तरह होता है, 1 में 1 से गुना किया तो 1 हो जाएगा, 2 में 3 से गुना, 2 3 6 यू है, तो यहाँ पे यू लिख देंगे। फिर उसी तरह 1/3 गुना किया, 1/9 हो जाएगा भी। अब देखिए 2 में 1/3 से गुना किया, 2/3 हो जाएगा। फिर उसी तरह 1/2 से इस सब टर्म में गुना होगा, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2 यानी 1/6 यू हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 यानी प्लस 1/4 भी हो जाएगा यहाँ पर,
ये 13/6 1/2 यानी 13 एकम 13 6 दुना 12 13/12। चलिए इसको सॉल्व करते, देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस, साइन चेंज करेंगे आप, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, हमारा यही थर्ड स्टेप यही है। देखिए सबसे पहले इसको सेम देखेंगे आप, इसमें देखिए 1/x, इसमें भी 1/x, 1/y, 1/y, तब इसको मानेंगे u भी, ठीक। अब u और v जहाँ जहाँ 1/x होगा u रखेंगे, जहाँ जहाँ 1/y होगा उसको v रखेंगे। उसके बाद उसी तरह इसको सेम रहेगा, सिर्फ चिन्ह परिवर्तन करेंगे, और सेम नहीं रहेगा तो इसके गुणांक से इसमें गुणा करेंगे, इसके गुणांक से इसमें गुणा करेंगे, और उसके बाद साइन चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो बटा का घटाव आप लोग आता ही होगा। देखिए 1/9 और 1/4 यहाँ पर करके देख लीजिए, पहले एक बार लिख लीजिए, ठीक। 1/9 अभी क्या है, 1/4 भी है तो भी लिख लीजिए, अब माइनस 1/4 भी, उसी तरह इसको भी लिख लीजिए, 2/3 माइनस 13/12, ठीक। ये हमारा हो गया, बट्टा का घटाव इसको कर लीजिए। अब देखिए 9 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 9 चौका 36 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखिए इसको भाग दिया था है हर में, इसको हर में भाग दिया था, 9 चौका 36 4 4 में भी से गुणा कीजिएगा, देखिए 1 में कीजिएगा तो 4 ही हो जाएगा, और भी आता है यहाँ पर भी लिख दीजिए, ठीक। देखिए 4 9 36 9 में 1 से गुणा कीजिएगा 9 होगा, और यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर यू भी है, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा। फिर उसी तरह 12 और 3 का एलसीएम क्या, सॉरी एलसीएम हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 12 3 36, अब 12 में 2 से गुणा तो 12 2 14 हो जाएगा, फिर 12 3 36, 3 में 13 से गुणा तो 13 3 39। अब देखिए 36 से 36 कट जाएगा, ठीक। अब ये देखिए 4 भी और माइनस 9 भी क्या हो जाएगा, माइनस 5 भी, 4 में से -9 करेंगे तो -5 बचेगा, यहाँ पर देखिए 14 में से -39 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 9 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी -25 होगा, माइनस से माइनस काट दीजिए, ठीक। इसलिए भी का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दिखाई नहीं देता आप लोग को, इसको रफ करते हैं, ठीक, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। हमारा यहाँ पर आ गया 5 भी इक्वल टू 25 आया है। अब देखिए इसलिए भी का मान क्या हो जाएगा, 5 गुना में तो इधर भाग में भेज देंगे, 5 5 25, यानी हमारा भी का मान क्या आ गया, 5। अब देखिए भी का मान 5, मतलब भी का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, आप लिखेंगे भी बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारा, 1/2u प्लस 1/3 भी इक्वल टू 2। अब देखिए भी की जगह 5 रखना है तो 1/2u के u रहने दीजिए प्लस 1/3, और भी की जगह 5 रखना है तो 5 रख देंगे यहाँ पर 1/2u। अब देखिए 1/3 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 5/3, और प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 - 5/3 हो जाएगा यहाँ पर 1/2u। अब देखिए इसको बटा का जोड़ कर देंगे, बटा में किसी भी संख्या का बटा में 1 छिपा आता है तो 3 और 1 कैल्शियम 3 हो जाएगा, और 1 से 3 में भाग दीजिएगा 3 बार में कटेगा, 3 में 2 से गुणा 3 दोनों 6 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 1 में 5 से गुणा तो 5 हो जाएगा 1/2u। 6 में से 5 कटेगा कितना होगा, 1 होगा, बटा में 3 है तो बटा में 3 लिख देंगे। अब देखिए u का मान क्या हो जाएगा, 1/3। अब देखिए इधर क्या है, 1/2 गुना में तेजा के भाग में हो जाएगा, ठीक, भाग मतलब जैसे ऐसे लिख सकते हैं या इसके बट्टा में भी लिख सकते हैं, तो 1/3 बट्टा का भाग होता है, देखिए इसको गुना कीजिएगा तो पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी हमारा 2/3। यू का मान क्या आएगा, 2/3। अब यहाँ पर आंसर नहीं आया हमारा, देखिए आंसर यहाँ पर देखिए इस समीकरण में माने थे कहा, या 1/x बराबर यू माने थे और 1/y बराबर भी माने थे, ठीक। तो यहाँ पर यू और भी का मान यहाँ पर रखेंगे, देखिए 1/x u का मान कितना है हमारा, यहाँ पर u का मान है यहाँ पर 2/3, तो 2/3 लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो देखिए इसको जब x ऊपर भेजिएगा, इसको पलटिएगा तो 1/1 होगा, तो इसको भी पलट दीजिए 3/2, यानी x का मान 3/2 आएगा। अब देखिए 1/y v का मान हमारा कहाँ है, v का मान 5 आया है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे,
ठीक। अब देखिए इसका बटम वन छिपा रहता है तो इसको पलटिएगा तो वाई हो जाएगा, और इसको पलटिएगा एक बटा पाँच हो जाएगा, ठीक। या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक, जैसे आपको समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब उसी तरह क्वेश्चन है, दो तीन और क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए रफ करते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है आप सभी को। चलिए इसको रफ करते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान है। दो बटा रूट एक्स है प्लस तीन बटा रूट वाई इक्वल टू दो, ठीक। और नेक्स्ट समीकरण हमारा चार बटा रूट एक्स माइनस नौ बटा रूट वाई और माइनस वन, ठीक। अब इसको उतना नहीं समझाएंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए वन बाई रूट एक्स वन बाई रूट वाई वन बाई रूट एक्स वन बाई रूट वाई, यानी दोनों में मतलब कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब सेम है। इसको मानेंगे हम क्या, हम यहाँ पर हल लिखेंगे, यहाँ पर वन बाई रूट एक्स बराबर यू मान लेते हैं, फिर वन बाई रूट वाई बराबर क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। अब दोनों का मान समीकरण एक और दो में रखेंगे आप, ठीक, इसको एक और दो मान लीजिए, ठीक। चलिए रखते हैं इसका मान, देखिए टू, देखिए वन बाई रूट एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई रूट एक्स का हो जाएगा यू, तो यहाँ पर यू लिख देंगे। फिर यहाँ पर थ्री है वन बाई रूट वाई का भी माने तो यहाँ भी लिख देंगे, बराबर में टू, ही समीकरण एक हो गया। अब देखिए समीकरण एक मान चुके हैं, इसको दो मान लीजिए, अब फिर इस समीकरण दो में रखेंगे वन बाई रूट एक्स की जगह पर यू, वन बाई रूट वाई की जगह पर भी रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चार यू हो जाएगा माइनस है नौ भी हो जाएगा, बराबर क्या है माइनस वन। इसको समीकरण दो मान लीजिए, दो मान चुके हैं, इसको तीन मान लीजिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देखिए, यू का गुणांक क्या है दो, तो इसमें दो से गुना करेंगे, इसमें यू का गुणांक है चार, तो इसमें चार से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं इसको, चार दुना आठ हो जाएगा, यहाँ पर आठ यू प्लस चार थी बारह भी, चार दुना आठ, दो सेकंड गुना कीजिए, इसमें चार दुना आठ यू हो जाएगा माइनस नौ दुना अठारह भी और माइनस वन गुने टू यानी माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, सेम है तो कट जाएगा। अब देखिए दोनों प्लस में प्लस बारह और प्लस अठारह तीस भी हो जाएगा, ठीक, आप लोग दिखाई दे रहा है सही से नहीं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं प्लस बारह और प्लस अठारह तीस भी हो जाएगा और प्लस आठ और प्लस दो दस हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए भी का मान क्या हो जाएगा दस, इधर तीस गुना में तो भाग में हो जाएगा, यानी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यह वन बाई थ्री आ गया, ठीक, वन में थ्री आ गया। तो देखिए हम वन बाई रूट वाई के जब क्या माने थे, भी माने थे, तो वन बाई रूट वाई और भी का मान कितना है वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो देखिए रूट वाई में वन से गुना क्या हो जाएगा रूट वाई हो जाएगा और तीन में एक से गुना जाएगा तीन होगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ठीक, वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिएगा, तो देखिए वर्ग कीजिएगा तो स्क्वायर हट जाएगा तो वाई हो जाएगा और तीन का वर्ग क्या हो जाएगा तीन तीन नौ, वाई का मान हमारा नौ आ गया, ठीक। अब देखिए वाई का मान हो गया, फिर यहाँ पर देखिए जो भी का मान आया है यहाँ पर क्या आया है भाई, भी का मान वन बाई थ्री है, वन बाई थ्री क्या रखेंगे समीकरण दो या तीन रखते हैं यहाँ पर, ठीक, भी बराबर वन बाई थ्री समीकरण वन टू माने हैं, इसको तीन मान लीजिए और इसको चार मान लीजिए, ठीक, समीकरण तीन में रखने पर। चलिए तीन रखते हैं, भी का मान तीन में रखते हैं तो समीकरण तीन लिख लेते हैं, टू यू थ्री भी बराबर टू, ये हमारा समीकरण तीन है। अब देखिए भी के जब वन बाई थ्री रखेंगे, टू यू थ्री भी के जब वन बाई थ्री बराबर टू, टू यू थ्री से थ्री कट जाएगा प्लस वन बराबर टू, टू यू प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टू यू बराबर दो में से एक कटेगा तो एक हो जाएगा, यानी दो गुना में है तो उधर भाग में हो जाएगा, यानी यू का मान क्या होगा, इसलिए यू का मान हो जाएगा हमारा वन बाई टू, ठीक। अब यहाँ पर देखिए वन बाई
रूट अंडर एक्स का यू माने हैं तो यहाँ लिखेंगे यू की जगह क्या वन बाई रूट अंडर एक्स और बराबर में क्या वन बाई टू है, इसको भी उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई तो रूट एक्स में वन से गुना कीजिएगा तो रूट एक्स हो जाएगा, दो में एक्स क्या हो जाएगा दो हो जाएगा, दोनों तरफ वर्क कर देंगे यहाँ पर वर्क कर देंगे तो एक्स रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और दो का स्क्वायर करेंगे तो हमारा चार हो जाएगा, यानी एक्स का मान हमारा ये गया चार और वाई का मान आ गया हमारा कहाँ यहाँ पर आ गया नौ। बस इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरा आप लोग बना लीजिएगा, काफ़ी आसान है। इसमें देखिए वन बाई एक्स को यू मान लीजिएगा और वाई को भी मान लीजिएगा, ठीक। चलिए हम चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा अथी में है, बट्टा में है, इसको प्लस माइनस, चलिए इसको देखते हैं, इसको रफ करते हैं। एक का चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, पाँच बट्टा एक्स माइनस वन प्लस एक बट्टा वाई माइनस टू इक्वल टू टू, छः बट्टा एक्स माइनस वन माइनस तीन बट्टा वाई माइनस टू इक्वल टू वन, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन वाई माइनस टू वाई माइनस टू, तो आप मानेंगे यहाँ पर हल लिखिएगा, देखिए वन बाई एक्स माइनस वन बराबर यू मान लेंगे, वन बाई वाई माइनस टू बराबर भी मान लेंगे, ठीक। ऐसा मानने से मतलब आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। चलिए तो हमारा समीकरण देखिए क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स के ऊपर यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाँच यू हो जाएगा, और वन बाई टू को क्या माने भी, तो इसको भी लिख देंगे यहाँ पर बराबर में टू, इसको समीकरण एक मान लीजिए, ठीक। और देखिए फिर ये वाला सेकेंड समीकरण में रखेंगे तो ये आएगा छः और वन बाई एक्स माइनस वन को जब यू माने तो यू हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर थ्री भी हो जाएगा बराबर में वन, समीकरण दो। अब दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। देखिए यू का गुणांक पाँच है तो इसमें पाँच से गुना करेंगे, यू का गुणांक छः है तो इसमें छः से गुना करेंगे, छः पच्चे तीस यू, छः में भी से गुना तो छः भी हो जाएगा, छः में दो से गुना तो छः दोनों बारह, पाँच से सब टर्म गुनाएंगे तो पाँच छः पच्चे तीस यू हो जाएगा, पाँच तीन पंद्रह भी हो जाएगा, पाँच एकम पाँच, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, इससे सेम है तो कट जाएगा, ठीक। और देखिए प्लस छः भी प्लस पंद्रह भी दोनों प्लस में है तो पंद्रह छः इक्कीस भी हो जाएगा, और बारह माइनस पाँच तो बारह में से पाँच कटेगा तो क्या हो जाएगा सात हो जाएगा, ठीक। हमारा इक्वेशन आया है तो इसलिए भी का मान क्या हो जाएगा, इसलिए भी का मान हो जाएगा सात इधर इक्कीस गुना में है, ठीक, इक्कीस गुना में तो भाग में जाएगा तो यहाँ पर इक्कीस लिख दीजिए, सात थ्री इक्कीस यानी भी का मान का एक बटा तीन आ गया, ठीक। अब भी बराबर वन बाई थ्री समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक क्या है हमारा पाँच यू प्लस भी इक्वल टू टू, ठीक। अब देखिए पाँच यू भी के जब क्या वन बाई थ्री रखेंगे बराबर टू, पाँच यू इक्वल टू टू, देखिए प्लस वन बाई थ्री तो उधर जाएगा तो माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा, पाँच यू इसको बट्टा का जोड़ के जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में एक छः तीन और एक कैल्शियम तीन हो जाएगा, तीन दूना छः और ये हो जाएगा तीन एकम तीन एक हो जाएगा, पाँच यू छः में से एक हटेगा तो पाँच बट्टा तीन, ठीक। अब देखिए यहाँ पाँच गुना में तो उधर भाग में हो जाएगा इसलिए u बराबर हो जाएगा पाँच बट्टा तीन, ये भाग में चल जाएगा, ठीक, पाँच से पाँच घट रहेगा यानी u का मान वन बाई थ्री आ गया। अब देखिए ये हमारा आंसर नहीं हुआ, इसको इसमें और इसमें रखना होता तब हमारा आंसर आएगा, तो यहाँ रखते हैं। आप देखिए वन बाई एक्स माइनस वन के u है तो u की जब क्या है वन बाई थ्री तो वन बाई थ्री रखेंगे, फिर क्या है वन बाई वाई माइनस टू बराबर भी, तो भी का मान हमारा यहाँ पर आया है, यहाँ भी का मान है वन बाई थ्री तो यहाँ पर लिखेंगे वाई यू का मान है, दोनों का मान वन बाई थ्री ही आया है, कोई बात नहीं। चलिए इसको आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो देखिए एक्स माइनस वन से वन में गुणा कीजिएगा तो एक्स माइनस वन ही होगा, तीन में एक से गुणा कीजिएगा तीन हो जाएगा, ठीक। इसलिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस वन है तो उससे जाके प्लस हो जाएगा, तो तीन और एक चार, एक्स का मान एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन बाई
एट है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए इसमें भी कॉमन, देखिए वन वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई, नीचे भी वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई, वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई, वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई। तो इसको मान लेंगे वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई, यहाँ पर लिखेंगे बराबर यू, यहाँ पर लिख दीजिए मानना। ऐसा कोई क्वेश्चन लिखे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। ये मान रहे हैं तब मान लेंगे इसको। और देखिए फिर इसको एक क्या है हमारा दूसरा, वन माइनस थ्री एक्स माइनस वाई, इसको मान लेंगे भी, ठीक। अब दोनों का मान समीकरण एक और दो में रखेंगे, ठीक, मतलब दोनों समीकरण में रखेंगे। तो देखिए दोनों समीकरण में रखते हैं यहाँ पर, तो वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई की जब यू, तो यहाँ पर यू हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, वन बाई थ्री एक्स माइनस, ठीक है, वन माइन वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई की जब भी मान है तो यहाँ पर भी लिख देंगे, और बराबर में तीन बटा चार है तो तीन बटा चार लिख देंगे, ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण एक, ठीक, या इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सही रहेगा इसको। इसको ऐसे मान लीजिए समीकरण एक मान लीजिए, ऐसे ही बना सकते हैं। और देखिए फिर यहाँ पर वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वाई के अब यू, वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वाई के अब भी रखेंगे इस समीकरण में। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए वन बाई टू, तो वन बाई टू रहने दीजिए, और इसके जवाब पर देखिए ये वाला, इसके जवाब हो जाएगा हमारा यू। फिर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लिखेंगे वन बाई टू, और इसके जवाब लिखेंगे क्या भी, बराबर में क्या माइनस वन बाई एट। इसको मान लीजिए समीकरण दो, लेकिन इसमें देखिए कॉमन है कुछ, वन बाई टू कॉमन है तो वन बाई टू कॉमन ले लीजिए, वन बाई टू कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा यू माइनस भी इक्वल टू माइनस वन बाई एट, ठीक। अब देखिए वन बाई टू इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी u माइनस भी बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एट, बराबर में है यहाँ पर, बराबर में माइनस वन बाई एट। अब देखिए वन बाई टू को इधर भाग में भेजना है, ठीक, तो भाग में हो जाएगा वन बाई टू यू माइनस भी माइनस वन बाई एट, गुना में चिन्ह गए तो ये पलट जाएगा, दो चौका आठ, यानी यू माइनस भी बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन बाई फोर। इसको समीकरण दो मान लीजिए, समीकरण एक और दो से यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण एक और दो से। तो देखिए समीकरण एक और दो क्या है हमारा, समीकरण एक यहाँ पर यू प्लस भी बराबर है तीन बटा चार, ये समीकरण एक है, और समीकरण दो यहाँ पर है यू माइनस भी बराबर माइनस एक बटा चार। देखिए देखने में कितना बड़ा था, लेकिन इसको लिखने पर देखिए कितना आसान हो गया समीकरण। देखिए यहाँ पर इसको बैलेंस नहीं करना, ऑलरेडी बैलेंस है, देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस भी है, इसको चेंज भी चेंज नहीं करना है ना बैलेंस करना है, तो इससे कट जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, तो यू यू दोनों जुड़ जाएगा प्लस में तो टू यू हो जाएगा। अब देखिए तीन बटा चार ये माइनस एक बटा चार, बटा का घटाव कर लेंगे यहाँ पर, टू यू चार चार का एलसीएम चार होगा, ऊपर को से लिख दीजिए सेम, अगर दोनों बट्टा सेम है तो सिर्फ जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए, घटाव है तो घटाव कर दीजिए, जिससे भाग दीजिएगा चार एकम चार एक से गुना कीजिएगा तीन होगा, चार एकम चार एक से एक गुना तो एक ही होगा, टू यू तीन में से एक घटेगा तो क्या दो बट्टा चार, ठीक, दो दूना चार, यानी टू यू बराबर क्या है यहाँ पर बचा वन बाई टू, दो गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, तो भाग का मतलब वन बाई टू, ठीक, भाग का मतलब बट्टा में आ जाएगा, ठीक, यानी एक बटा चार हो जाएगा। यू का मान हमारा आ गया कितना, यू का मान आ गया एक बटा चार। अब यू का मान समीकरण एक या दो में रखेंगे, ठीक, चलिए रखते हैं समीकरण एक या दो में, इसको रफ करना होगा थोड़ा। और देखिए यू का मान हम रख रहे हैं यू बराबर एक बटा चार समीकरण एक में रखने पर, ठीक। तो देखिए समीकरण एक हमारा क्या है यू प्लस भी बराबर क्या है तीन बटा चार, ठीक, यू का मान क्या रखेंगे एक बटा चार रखेंगे यू की जगह पर, प्लस भी बराबर तीन बटा चार हो जाएगा यहाँ पर, भी बराबर क्या हो जाएगा प्लस वन बाई फोर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको बटा के ऐसे कर देते जोड़, चार छठ का सिम चार हो जाएगा, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा
टू बाई फोर यानी वन बाई टू, यानी भी का मान कितना है, इसलिए भी का मान हमारा वन बाई टू आया। अब देखिए माने थे कितना, हम यहाँ पर हमारा आंसर नहीं हुआ, यहाँ पर माने थे, माने थे क्या, यहाँ पर वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई बराबर माने थे क्या, यू माने थे। अब यू की जगह कितना रखेंगे, यहाँ पर वन बाई फोर आया हमारा, वन बाई फोर यहाँ पर रखेंगे। देखिए वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई, यू की जगह क्या रखना है आपको, वन बाई फोर, तो लिखेंगे वन बाई फोर, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो देखिए थ्री एक्स प्लस वाई में वन से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा इसको इसको समीकरण मान लीजिए तीन, और एक और माने थे क्या, हम वन बाई थ्री एक्स माइनस वाई को क्या माने थे, भी माने थे। तो वन बाई थ्री एक्स माइनस वाई, और भी का मान कितना है हमारा, भी का मान वन बाई टू है, तो वन बाई टू लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखिए इसमें थ्री एक्स माइनस वाई में वन करेंगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स माइनस वाई, और दो में एक्स क्या आएगा, दो। इसको समीकरण मान लीजिए चार। अब देखिए तीन और चार को समीकरण हल करके एक्स वाई का मान निकालना होगा, तो लॉन्ग है कोई बात नहीं, हमारा यू भी निकल के आ गया है ना। देखिए यू भी क्यों जरूरी है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर यू का मान और भी का मान। यू का मान हमारा आया है कितना, एक बटा चार, तो एक बटा चार लिख देते हैं, और भी का मान कितना है, वन बाई टू, तो वन बाई टू लिख देते हैं, ठीक। और ये समीकरण हमको जरूरी है, समीकरण तीन और चार की जरूरी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समीकरण तीन और चार से लिख लेंगे, यहाँ पर समीकरण तीन और चार से। तो देखिए समीकरण तीन क्या है हमारा, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर समीकरण तीन है, और चार क्या है, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, इसको समीकरण चार है हमारा। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, सेम संख्या अथी है, सेम चर राशि अति कर जाएगा, थ्री एक्स और थ्री एक्स को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइन एक्स हो जाएगा, चार और दो छः, इसलिए एक्स का मान इधर नौ गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, छः बटा नौ, तीन दूना छः, तीन तीन नौ, यानी इसलिए एक्स का मान हमारा कितना आ गया, दो बटा तीन, दो बटा तीन आ गया। फिर यहाँ पर एक्स बराबर दो बटा तीन समीकरण तीन या चार रख दें, तीन में रखने पर, ठीक, कोई एक दो एक में रख देंगे, तीन या चार रखेंगे उतना ही आंसर है रखने पर। तो देखिए यहाँ पर समीकरण तीन क्या है हमारा, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर है, थ्री एक्स का क्या दो बटा तीन रखना हमको, प्लस वाई इक्वल टू फोर, इन टू मतलब गुना था, ठीक, तीन से तीन कट जाएगा, यहाँ पर दो बचेगा, दो प्लस वाई इक्वल टू फोर, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, प्लस टू उधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी चार माइनस दो इक्वल टू दो, वाई का मान दो आ गया। यहाँ भी हमारा आंसर नहीं हुआ, देखिए क्या आंसर हुआ, अब यहाँ पर इसका अब जरूरी पड़ेगा, देखिए इसका और इसका, वन बाई क्या है, यहाँ पर थ्री एक्स माइनस वाई था, तो देखिए यहाँ पर क्या है, वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू, और एक है वन बाई थ्री एक्स माइनस, यही हमारा आंसर, एक्स वाई का मान निकालना था, यही हो गया, यू का मान नहीं निकालना था, ठीक। यहाँ पर एक्स का मान क्या आया हमारा, टू बाई थ्री, और वाई का मान टू आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर निकालने जा रहे थे यू का मान, यू का मान निकालना है, यू का मान ऑलरेडी निकल गया है, एक्स और वाई चाहिए तो एक्स वाई निकल गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको रफ करते हैं, ठीक। एक्सरसाइज 3.6, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा, और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में दो घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए मानेंगे यहाँ पर स्थिर जल में, देखिए यहाँ पर ऋतु द्वारा, ऋतु नाम की लड़की है एक, यहाँ पर दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मानेंगे
देखिए, स्थिर जल में, स्थिर जल है यानी शांत जल है, स्थिर जल में ऋतु का तैरने के चाल, ठीक, ऋतु का, सॉरी की होगा, ऋतु लड़की इसलिए की होगा, तैरने की चाल एक किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर, नहीं मालूम है, यहाँ पर ऋतु तैरने की चाल ठीक स्थिर जल में, और धारा की इसमें पूछ रहा है स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें, ठीक, और धारा की चाल मान लेंगे यहाँ पर, धारा की चाल वाई किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल मतलब पानी का जो चाल है उसका वाई किलोमीटर पर घंटा है, और स्थिर जल में उसका ऋतु का चाल कितना है, एक्स किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा हमारा, धारा के अनुकूल, यहाँ पर अनुकूल यूज किया है, तो धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा हमारा, देखिए धारा के अनुकूल में तो उसी दिशा में, तो देखिए पानी का चाल, और देखिए मान लीजिए कोई तैरता होगा उसको अच्छा समझ में आएगा, मान लीजिए आप तैरिएगा तो देखिए पानी का चाल होगा और उसी दिशा में आप चलिएगा तो दोनों उसका चाल और आपका चाल दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा कितना, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा यानी धारा के प्रतिकूल, ठीक, धारा के प्रतिकूल चाल हो जाएगा कितना उसका, ऋतु का प्रतिकूल, देखिए अनुकूल प्रतिकूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक, देखिए धारा के विपरीत, तो देखिए धारा के विपरीत हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक, किलोमीटर पर घंटा, ठीक, यानी जो भी आपका चाल रहेगा वो धारा की चाल से उस माइनस कर देगा, ठीक, क्योंकि देखिए धारा के विपरीत दिशा में चलिएगा तो उसका चाल ऐसे रहेगा, आप ऐसे चलिएगा तो विरोध करवे करेगा, इसलिए माइनस ही रहता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए धारा की दिशा में, तो देखिए चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। अब देखिए धारा की दिशा में कर रहा है प्रश्न से, या आप लिखेंगे धारा के अनुकूल, ठीक, धारा के अनुकूल, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय सूत्र होता है फिजिक्स का है, देखिए चाल कितना है धारा के अनुकूल हमारा, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई, और दूरी कितना कर रहा है तय 20 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है इसको, 2 घंटा, ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 से भाग कर दिए, 2 दहाई के 10 हो जाएगा, 2 से भाग दिया 2 दहाई के 20 हो जाएगा, ठीक, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 10, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। फिर प्रश्न से क्या कर रहा है यहाँ पर, फिर प्रश्न से कर रहा है, प्रश्न कर रहा है दो धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक, विपरीत दिशा में, तो देखिए विपरीत दिशा यानी फिर यहाँ फॉर्मूला लिखे चाल बराबर दूरी बट्टा क्या होता है, समय होता है, यहाँ आप लिखेंगे यदि प्रतिकूल दिशा में, ठीक, धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा के प्रतिकूल, ठीक, धारा के प्रति, धारा के विपरीत दिशा में, देखिए चाल क्या हो जाएगा, चाल धारा के प्रतिकूल कितना है, एक्स माइनस वाई है, और दूरी कितना तय कर रहा है 4 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 2 घंटा, इस ठीक है 2 घंटा, 2 दूना 4 यानी एक्स माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और 1 और 2 का हल करके समीकरण 1 2 का हल करेंगे तो एक्स वाई का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा स्थिर जाल में चाल। चलिए हल करते हैं इसको, समीकरण 1 है यहाँ पर, 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको रफ करना होगा, ठीक, 1 और 2 संख्या मतलब है, इसको रफ करते हैं,
देखिए यहाँ पर है x प्लस वाई समीकरण एक है, यहाँ पर बराबर 10 है, और समीकरण दो है x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण दो है, इस समीकरण एक है, ठीक। यहाँ पर ऑलरेडी देखिए दोनों सेम है, देख तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये कट जाएगा यहाँ पर, तो x और x क्या हो जाएगा 2x, साइन चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लस माइनस, 10 और 2 क्या हो जाएगा 12, इसलिए x का मान हो जाएगा 12, 2 गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, 2 6 12, यानी x का मान 6 आ गया। अब देखिए x बराबर 6 समीकरण एक या दो में रख दीजिए, समीकरण एक में रखने पर एक क्या समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 10 है, समीकरण एक है, एक्स के ऊपर 6 रखना है, इसलिए वाई का मान क्या हो जाएगा, ये प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वाई का मान हमारा 4 आ गया, यानी स्थिर जल में तैरने का जल कितना है 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा यहाँ पर, जो कि हम लोग लिखे थे हेडिंग में, यहाँ पर लिख देंगे एक्स के ऊपर लिख देंगे 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, और धारा की चाल कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा, बस एक्स वाई का खाली सिर्फ मान रख देना जो यहाँ पर लिखे थे हेडिंग में, मान लेंगे यहाँ पर एक महिला द्वारा लिया गया समय, ठीक। एक महिला द्वारा लिया गया समय मान लेते हैं एक्स दिन, ठीक, और एक पुरुष द्वारा मान लेते हैं, वाई दिन, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 2 महिला 5 पुरुष एक सिद्ध में एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितनी समय लगेगी, पूरा इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक महिला द्वारा लिया गया समय एक दिन लगता है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दिन में महिला द्वारा किए गए कार्य कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर लिखेंगे, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/x। ये कैसे हुआ देखिए, मान लीजिए एक महिला किसी काम को 2 दिन में करती है, ठीक, एक महिला किसी काम को 2 दिन में करती है, और मान लीजिए एक महिला किसी काम को 2 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, काम का 1/2 भाग करेगा, तब ना देखिए मान लीजिए किसी काम को 2 दिन में पूरा कर लेती है, ठीक, 2 दिन में पूरा कर लेती है, तो एक दिन में क्या काम का आधा भाग करेगी, तब ना 2 दिन में पूरा होगा, तो 1/2 लिखेंगे, उसी तरह एक दिन में हो रहा है तो इसलिए 1/x लिखेंगे। फिर यहाँ पर सेम उसी तरह एक पुरुष द्वारा यहाँ पर लिखेंगे, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, हाँ तो स्टूडेंट्स मार्कर में इंक रख लिया, चलिए देखते हैं क्या कहा थे हम लोग, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x, ठीक, तो यहाँ देखिए एक पुरुष द्वारा क्या हो जाएगा, एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या जाएगा, वो 1/y, देखिए क्योंकि एक पुरुष द्वारा लिया गया समय है वाई दिन, ठीक, इसलिए एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/y हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करें, क्वेश्चन में 2 महिला और 3 पुरुष को कितना 4 दिन लग रहा है इस काम करने में, ठीक, तो देखिए एक महिला को इतना लग रहा है, तो 2 महिला कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, 2 महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो एक महिला के लिए क्या है, एक बटा एक से, तो 2 महिला के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुने 1/x यानी 2/x,
फिर उसी तरह आप देखिए, एक पुरुष का इतना है तो इसमें कितना पड़ा है, छ पुरुष का रहा है, नहीं पांच पुरुष है, तो पांच पुरुष द्वारा क्या हो जाएगा, पांच पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा पांच गुने एक बटा वाई, यानी पांच बटा वाई हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है देखिए कितना लगता है इसको, चार दिन लगता है। ठीक, तो देखिए एक दिन में इतना लगता है, तो चार दिन में किए गए कार्य यानी दिन का एक बटा चौथा भाग हो गया काम, काम के जो कर रहा है वो दिन का क्या चार दिन दिया है, तो दिन का मतलब एक बटा चौथा भाग इतना काम कर रहा है एक दिन में, एक दिन में काम हो गया इसका। तो इसलिए आप लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि चार दिन लग रहा है लेकिन एक दिन का यहाँ पर मालूम है, इसलिए जो काम हो रहा है वो दिन का क्या हो रहा है, जिसे मानी चार दिन में जो काम हो गया है उसको एक एक दिन में इतना काम हो रहा है। ठीक, तो दिन में दिन को एक बटा चौथा भाग काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर दो बट्टा एक्स प्लस पाँच बटा वाई एक बटा चार, इसको समीकरण एक मान लीजिए। ठीक, देखिए काम का भाग है, एक दिन के काम का भाग एक बटा एक्स है, तो इसलिए एक महिला द्वारा एक दिन में काम का एक बटा एक्स है, एक पुरुष का एक बटा वाई है, इसलिए दो महिला का दो बटा एक्स हो जाएगा, पांच पुरुष का पांच बटा वाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सब एक दिन का जो भी काम का भाग एक दिन, लेकिन इसमें दिया है दोनों मिलकर एक चार दिन में काम करती है, तो इसलिए जो काम हो रहा है कितना दिन का एक दिन का चौथा भाग हो रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा समीकरण एक हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है इसमें उसी काम को तीन महिला छः पुरुष तीन दिन में करता है। ठीक, तो देखिए सेम उसी तरह इसमें करना है, देखिए फिर प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सेम उसी तरह करना है, देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें कह रहा है तीन महिला और छः पुरुष, तो देखिए तीन महिला के लिए क्या हो जाएगा, देखिए दो महिला का दो बटा एक्स, तो तीन महिला के लिए क्या हो जाएगा तीन बटा एक्स, और इसमें कह रहा है छः पुरुष, तो देखिए पाँच पुरुष के लिए पाँच बटा वाई, तो छः पुरुष के लिए छः बटा वाई, इसमें चार दिन लगता है, इसमें तीन दिन, तो एक बटा तीन हो जाएगा, दिन का मतलब तीसरा भाग काम हो रहा है। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण दो मान लीजिए, दोनों समीकरण को हल करेंगे हमारा एक सौ वाई का मान पता चल जाएगा, यानी कितना दिन लग रहा है दोनों, चलिए इसको रफ करते हैं, चलिए समीकरण एक और दो लिख लेते हैं। समीकरण एक क्या है यहाँ पर, दो बटा एक्स प्लस पाँच बटा वाई इक्वल टू एक बटा चार, ये हमारा समीकरण एक हो गया। समीकरण दो हो गया पाँच बट सॉरी तीन बटा एक्स प्लस छः बटा वाई एक बटा तीन, इसको समीकरण दो मान लीजिए, चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए जस्ट पिछले हम लोग जस्ट पीछे पढ़े हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए वन बटा एक्स वन बटा वाई इसमें भी है इसमें भी है, तो आप मानेंगे वन बटा एक्स को मान लेंगे यहाँ पर यू, यहाँ पर लिखेंगे माना वन बाई एक्स के यू, और वन बाई वाई को मान लेंगे यहाँ भी, दोनों को रिप्लेस कर देंगे वन बाई एक्स का यू, दोनों समीकरण में वन बाई एक्स का यू रखेंगे और वन बाई वाई की जगह पर भी रखेंगे। ठीक, तो चलिए रखते हैं इसको, दो बटा एक्स तो क्या आ जाएगा टू यू हो जाएगा, पाँच बटा वाई तो पाँच भी हो जाएगा एक बटा चार, इसको समीकरण तीन मान लीजिए, फिर इसमें उसी तरह तीन बटा एक्स क्या आ जाएगा तीन यू हो जाएगा, छः बटा वाई तो छः भी हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बटा तीन। ठीक, देखिए इसमें क्या कॉमन है, तीन कॉमन है, तीन कॉमन ले लीजिए, इसमें तीन कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर तीन एकम तीन, तीन दूना छः यानी एक बट्टा तीन, तीन गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर u प्लस टू भी इक्वल टू एक बट्टा तीन, भाग में चला जाएगा क्या आ जाएगा भाग में चला जाएगा ये, यानी u प्लस टू भी इक्वल टू तीन तीन नौ, इसको मान लीजिए समीकरण तीन मान लिए हैं, इसको चार मान, यहाँ पर तीन है यहाँ पर चार, तीन और चार को सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको तीन और चार को, तीन लिए आप लिखेंगे समीकरण तीन और चार से, समीकरण तीन क्या है हमारा यहाँ पर है टू यू प्लस पाँच भी, टू यू प्लस पाँच भी इक्वल टू एक बटा चार, इस समीकरण हमारा तीन हो गया, और समीकरण चार है यू प्लस
टू वी इक्वल टू 1/9, इस समीकरण 4 हो गया। दोनों को हल करते हैं, देखिए कोई सेम नहीं दिखा दे रहा, इसको प्रतिस्थापन में सल करते हैं। यू का गुणांक 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यू का गुणांक क्या है 1 है तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे, 1 में सभी में गुणा करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2u प्लस 5v 1/4 हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा कर दीजिए सब में, तो 2 में यू से 2u हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4v, ये हो जाएगा 2/9। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सेम है कट जाएगा। देखिए 5v में से 4v रहेगा तो भी बचेगा। अब देखिए 1/4 में से क्या 2/9 घटाना है हमको, बटा का घटाव करना है इसको, चलिए यहाँ पर कर देते हैं, यानी भी बराबर क्या हो जाएगा 9 और 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा 9 × 4 = 36, 4 से भाग देगा तो 4 × 9 = 36, 9 में 1 से गुणा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 9 × 36, 4 में 2 से गुणा 4 × 2 = 8, यानी भी का मान क्या आएगा 1/36। ठीक, अब भी का मान समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक, समीकरण 3 हमारा यहाँ पर है, चलिए इसको रफ करते हैं, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा रफ करना पड़ रहा है, चलिए यहाँ पर रखते हैं। भी का मान आया हमारा 1/36, इसको समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 रखे हमारा 2u + 5v = 1/4, ठीक, भी के जगह पर 1/36 रखना है, ठीक, तो 2u 5 × v के जगह पर क्या 1/36 रखेंगे, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। और देखिए 5 में 1/36 को लेते तो उतना ही हो जाएगा, प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, 1/4 − 5/36 हो जाएगा, यहाँ पर 2u 36 और 4 कैल्शियम क्या हो जाएगा 36 ही होगा, 4 में भाग दीजिएगा 4 × 9 = 36, 9 में 1 से गुणा 9 होगा, 36 × 36 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2u बराबर 9 में से 5 घटेगा तो 4/36, 4 × 9 = 36, ठीक, यानी 2u बराबर कितना गया 1/9 आ गया, ठीक, अरे 2 गुना में तो भाग में जाएगा, तो यानी u का मान कितना आ जाएगा 1/9 भागा में आ जाएगा, यानी कितना 1/ दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ पर हमारा आया 2u बराबर 1/9 आया, ठीक, तो देखिए 2 गुना में तो भाग में हो जाएगा 1/9, इसको भागा में भेज दीजिए, इसलिए u का मान क्या आएगा 1/9 × 18। अब देखिए क्या माने थे हम यहाँ पर समीकरण माने थे, चलिए इसको रफ करते हैं, ठीक, देखिए माने थे यहाँ पर जो मिटा दिए हैं, 1/x की जगह पर u माने थे और 1/y की जगह पर भी माने थे। देखिए हमको क्वेश्चन में था x y का मान निकालना है, इसे u भी का मान आ गया, देखिए 1/x और u का मान कितना है हमारा, u का मान है यहाँ पर 1/18, ठीक। अब देखिए इसलिए x का मान हो जाएगा, इसको प्लॉट दीजिए तो ऊपर चला जाएगा, इसको भी प्लॉट दीजिए तो 1/18 18/1 हो जाएगा, 1/ में नहीं लिखा था, यानी एक्स का मान हमारा 18 आ गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स में 1 सुनेंगे तो एक्स हो जाएगा, 18 में एक्स सुनेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1/y हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी का मान क्या है हमारा, भी का मान यहाँ पर 1/36 आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/36, इसलिए वाई का मान हो जाएगा, देखिए वाई में 1 सुनेंगे तो वाई हो गया, 36 में एक्स सुनेंगे तो 36 हो गया, यानी एक महिला के द्वारा लिया गया समय कितना होगा 18 दिन हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 18 दिन, और पुरुष द्वारा लिया गया समय क्या होगा 36 दिन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको रफ करते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, 2 का तीसरा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन,
रूहित 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करे यात्रा तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करना है। ठीक, देखिए इसमें क्या कर रहा है, 300 मीटर देखिए कुल दूरी यहाँ पर दिया हुआ है। कुल दूरी यहाँ पर दिया है 300 किलोमीटर। ठीक, अभी आप देखिए क्या कर रहा है इसमें, रेलगाड़ी एवं बस की चाल यहाँ पर मान लेंगे। यहाँ पर माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर जाता है। और यहाँ पर बस की चाल मान लेंगे, बस की चाल मान लेंगे यहाँ पर वाई किलोमीटर पर घंटा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है। ठीक, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है और शेष बस से। देखिए टोटल कितना है, देखिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है और शेष बस द्वारा करती है। ठीक, तो देखिए रेलगाड़ी द्वारा कितना 60 किलोमीटर करती है और शेष बस द्वारा, तो आप लिखेंगे बस द्वारा तय की गई दूरी। देखिए उसको जाना है 300 किलोमीटर और रेल से जाना यानी ट्रेन से जाती कितना 60 किलोमीटर, तो यानी कितना बस से कितना तय करेगी यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 300 में से 60 किलोमीटर घटा लेंगे यानी कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर वो बस से तय करती है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करा है, तो कितना उसको समय लगता है, 4 घंटा लगता है। ठीक, दोनों में मतलब, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, 4 बराबर क्या होता है, प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, यहाँ पर कुल दूरी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, यहाँ पर 1 किलोमीटर है वाई किलोमीटर है। ठीक, तो देखिए 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चाल है कितना, तो रेलगाड़ी के लिए चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल माने एक्स, यहाँ पर एक्स लिख देंगे और दूरी कितना है इसका, रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी है 60 किलोमीटर, तो 60 ले देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर पता करना, देखिए हमको रेलगाड़ी का क्या चाल पता चल गया, यहाँ पर दूरी पता चल गया, अब पूछ रहा है इसको अब समय कैसे निकलता, समय का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, यहाँ पर हमको समय निकालना है। ये क्या है रेलगाड़ी का हमको निकालना है, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। ठीक, तो समय बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 60/100 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पर बस द्वारा लिखेंगे, बस द्वारा लिया गया समय, क्योंकि देखिए वो ट्रेवल करती है कहीं से अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी से क्या जाती है 1 किलोमीटर पर घंटे में, 1 घंटा में 1 किलोमीटर और कितना दूरी तय करती है 60 किलोमीटर। ठीक, तो देखिए इसको समय कितना लगेगा, तो समय इसका लग जाएगा 60/100 हो जाएगा। ठीक, और बस द्वारा कितना समय लगेगा, बस द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आता है दूरी बटा चाल। ठीक, अब देखिए बस कितना दूरी तय कर रहा है 240 किलोमीटर, तो 240 लिख देंगे और इसका चाल कितना है वाई किलोमीटर, तो वाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना इसको लग रहा है, टोटल लग रहा है 4 घंटा लगता है। ठीक, तो देखिए ये भी समय है, ये भी समय है और टोटल इसको जाने में समय लगता है कितना 4 घंटा, तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर बस द्वारा लिया गया समय, यहाँ पर लिखेंगे रेल द्वारा लिया गया समय। ठीक, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या 60/100 हो जाएगा और बस द्वारा लिया गया समय
240 बटा वाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है हमको, अब ये क्वेश्चन में दिया है दोनों को समय कितना लगता है, 4 घंटा लगता है जाने में, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से दिया हुआ है, यानी 60/x प्लस 240/y, टोटल समय कितना लगता है इसको, 4 घंटा लगता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, एक समय आ गया हमारा यहाँ पर, तो देखिए टोटल लग रहा है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब फिर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, फिर वह दूसरे पैराग्राफ में कह रहा है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से चलती है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है भाई, रेलगाड़ी से कितना जा रही है, 100 किलोमीटर। ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक, आप लिख लीजिएगा इसको यहाँ तक, समीकरण 1 हमारा आ गया। ठीक, अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक, फिर लिखना पड़ेगा हमको, अब देखिए 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से वो तय करती है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बस से कितना करेगी, यहाँ पर टोटल 300 है, तो बस से क्या करेगी, कितना करेगी, 100 इसमें माइनस कर देंगे, यानी 200 किलोमीटर वह बस से तय करती है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और बस से कितना, 200 किलोमीटर तय करती है। ठीक, अब देखिए हमको रेलगाड़ी का चाल पता चल गया और इसका रेलगाड़ी का दूरी पता चल गया, बस का भी चाल और दूरी पता चल गया, तो समय निकाल सकते हैं आसानी से, तो यहाँ पर लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। ठीक, देखिए समय समय का सूत्र क्या फॉर्मूला आता है, देखिए फॉर्मूला आता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाहे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखे, चाल कितना है इसका, रेलगाड़ी का चाल कितना है x, तो यहाँ पर x लिखेंगे, और दूरी कितना का तय कर रहा है 100, तो 100 लिखेंगे, और बटा में समय है तो इसको समय रहने दीजिए, समय हमको यहाँ पर समय निकाल लीजिए, समय बराबर क्या हो जाएगा, एक गुना में तो भाग में हो जाएगा, यानी 100/x हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ बस द्वारा लिया गया समय यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा बस द्वारा लिया गया समय। ठीक, तो देखिए बस द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, इसमें विषय लिखेंगे, चाल कितना, बस का चाल है y किलोमीटर, तो y लिख देंगे, दूरी किस कितना तय कर रहा है 200, तो यहाँ पर 200 लिख देंगे, और समय हमको मालूम नहीं है तो समय रहने देंगे यहाँ पर, तो समय कितना लगेगा इसको बस द्वारा, 200/y। ठीक, अब देखिए कितना कर रहा है इसे, जो पहले से इसको 10 मिनट अधिक लग रहा है, जैसे उसको मतलब पहले 60 किलोमीटर रेलगाड़ी और 240 किलोमीटर बस था, तो उसको 4 घंटा लगता था, लेकिन इसमें 10 मिनट अधिक लग रहा है, देखिए समय कितना लग रहा है यहाँ पर, 4 घंटा 10 मिनट उसको लग रहा है। ठीक, तो देखिए इसको पहले घंटा में बदल लीजिए। ठीक, 4 प्लस देखिए 60 मिनट है, तो देखिए इसको 60 से भाग कर दीजिएगा तो घंटा में बदल जाएगा ये। ठीक, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 4 प्लस 1/6, देखिए मिनट को 60 से भाग दीजिएगा क्या घंटा में हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए, 6 चौका 24 1 25/6, बटा का जोड़ आप लोग को आता ही होगा, यानी इसको कितना समय इतना घंटा लग रहा है, अगर यह रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर और बस से 200 किलोमीटर जाती है, तो उसको समय कितना 25/6 घंटा लगता है, और देखिए टोटल कितना दिया हुआ है इसमें, और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है, रेलगाड़ी द्वारा यहाँ पर 100/x है, और बस द्वारा लिया गया समय ये हो गया 200/y, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर समय को, चलिए इसको रफ करते हैं, देखिए इसको रफ करते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा रेलगाड़ी द्वारा कितना था 100/x, और बस द्वारा यहाँ पर है 200/y, इतना समय लिया गया है, और टोटल दूरी इसको लग रहा है 25/6 घंटा, इतना लग रहा है इसको। ठीक,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। देखिए दोनों में, देखिए इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए 25 कॉमन लीजिए, 25 चौका 100 और 25 में 8 से गुणा, तो 25 अठे 200, 25 कॉमन ले लीजिए ठीक। तो 25 चौका 100 4/100 हो जाएगा, प्लस 25 में 8 से गुणा, तो 25 अठे 200 होता है ठीक, बराबर में 25/6 ठीक। देखिए ये भी ये और ये कट जाएगा ठीक। तो देखिए 4/x, देखिए गुना में तो भाग में आएगा, तो भाग में आएगा तो 25-25 कट जाएगा, 4/x प्लस 8/y बराबर में क्या 1/6, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 दोनों को हल करके x और y का मान निकालेंगे, इसको रफ करते हैं ठीक। अब देखिए समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है, लिख लेते हैं यहाँ पर 60/x, देखिए इसमें भी कुछ कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, इसमें आसान हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। देखिए 4 इसमें कॉमन लीजिएगा तो 15 चौका 60, 15/100 हो जाएगा, और 4 4 6 24, 60, 60 चौका 240 हो जाएगा, बट्टा में 4 आ जाएगा, सॉरी बराबर में 4, तो 4 और 4 कट जाएगा यहाँ पर। और क्या बचा, 15/100 यहाँ पर 60/y बराबर में 1 है, इसको समीकरण 1 मान थे मान लिए। समीकरण 2 है हमारा यहाँ पर, 4/x प्लस 8/y और बराबर 1/6, इसको समीकरण 2 मान लीजिए ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1/x को मान लेते हैं यहाँ पर, माना 1/x के ऊपर u और 1/y के ऊपर v, इसमें रिप्लेस करेंगे दोनों समीकरणों में। तो देखिए यह जाएगा 15/1 साथ 15 u हो जाएगा, और ये जगह 60/y तो 60 v हो जाएगा बराबर में 1, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। फिर इसमें देखिए 4/1 है, तो देखिए 4 1/x को क्या u माने, तो u लिख देंगे यहाँ पर। फिर 8/y है, तो ये जगह 8 v हो जाएगा बराबर में क्या 1/6, इसको समीकरण 4 मान लीजिए ठीक। अब देखिए दोनों समीकरण को हल करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ठीक। u का गुणांक 15 है, तो इसमें 15 से गुणा कर देते हैं, u का गुणांक 4 है, तो इसमें 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से इसमें गुणा करेंगे, देखिए 15 में 4 से गुणा, तो 15 चौका 60 हो जाएगा ठीक, दिखाई दे रहा है 15 चौका 60 u प्लस है, तो प्लस 60 में 4 से गुणा करिए क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 240 हो जाएगा भी, और 4 में 1 से गुणा करिए 4 हो जाएगा। फिर 15 से इसमें गुणा करेंगे, 15 में 4 से गुणा, तो 15 चौका 60, फिर 15 में 8 से गुणा करिए 15 8 120, और 15 में 1/6 से गुना कीजिएगा, तो देखिए 1/6 गुने 15, 3 5 15, 3 2 6 यानी 5/2 आ जाएगा ठीक, यहाँ 5/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला दिखाया था ठीक, यहाँ पर भी प्लस कुछ नहीं था, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये सेम है कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 240 और माइनस 120 क्या 120 बचेगा, इसको रफ करते हैं थोड़ा। देखिए आप क्या 240 में से 120 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 120 v, और देखिए 4/ में क्या है माइनस करेंगे क्या 5/2 यहाँ पर है, 4 माइनस 5/2 120 v। अब देखिए बटा में एक छुपा रहा था, 2 और 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 1 से भाग कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, 2 में 4 से गुणेंगे 4 2 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 में 5 से गुणेंगे तो 5 हो जाएगा 120 v, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए गुना में है 120 तो इधर भाग में हो जाएगा, 3 भाग में भेज देंगे 120, 3 चौका 12, 40 3 120 हो जाएगा, यानी इसलिए भी कमान हमारा कितना गया, ऊपर 1 बचा और 40 दुना 80, भी कमान 80 आ गया 1/80, और देखिए भी बराबर 1/80 समीकरण, समीकरण यहाँ पर क्या माने हम समीकरण 3 में रखने पर ठीक, 3 में रखने पर इसको रफ करते हैं थोड़ा। तो देखिए समीकरण 3 हमारा यहाँ पर है, ठीक है समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए 15 u है, तो 15 u प्लस 60 भी
इक्वल टू वन, इसमें वी की जब एक बटा सी रखना है ठीक, तो 15 u 60 वी की जब एक बटा सी रखेंगे बराबर वन। 15 u देखिए यहाँ पर 60 बटा 80 है, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा ठीक, तो क्या बचा 6 और 8 बचा ठीक। तो देखिए 2 3 6 2 4 8 यानी 3 में 1 सेकंड 3 और नीचे 4 है तो 4 लिख देंगे। 15 u अब देखिए ये प्लस 3/4 है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। 15 u बटा में 1 छुपा रहता है, 4 और 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा ठीक, 1 में 4 से भागेगा 4 बार में कटेगा 4 में 1 सेकंड तो 4 हो जाएगा ठीक, 4 एकम 4 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 बटा घटा तो आप लोग आता ही होगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं मत लगाइए। 4 में से 3 गए 1 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। अब यानी यू का मान कितना गया, यहाँ 15 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा आप लोग सभी को, ऊपर लिख देते हैं ठीक। यहाँ पर 15 u/1/4 है ठीक, तो इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, यानी इसलिए u का मान आ गया 1 15 चौका 60, यानी u का मान 1/60 और v का मान कितना आया था मेरा 1/80 ठीक। अब इसको रखेंगे क्या समीकरण जो माने थे हम, इसको रफ करते हैं ठीक। देखिए क्या माने थे हम, 1/x की जगह पर u माने थे और 1/y की जगह पर v माने थे समीकरण 1 और 2 में। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1/x और u कॉमन कितना है 1/60 है तो 1/60 ले देंगे ठीक। अब देखिए इसको इसको पलटिएगा तो ये भी पलट जाएगा, बराबर के इस साइड पलटिएगा तो ये भी पलट जाएगा ठीक। तो x को ऊपर कर दीजिए तो ये भी ऊपर चलेगा 60/1, 1 नहीं लिखा था बटा में, चाहे इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई लेके जाएगा, 1 में 1 तो 1 हो जाएगा और 60 में 1 तो 60 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें भी देखिए 1/y और v का मान हमारा क्या है 1/80 आया यहाँ पर ठीक, यहाँ पर 1/80 आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/80। और देखिए वाई में 1 सेकंड गुना कीजिएगा तो वाई हो जाएगा, 80 में 1 सेकंड गुना कीजिएगा तो 80 हो जाएगा, यानी हमारा रेलगाड़ी का चाल कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा ठीक, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा और बस का चल रहा है कितना 80 किलोमीटर पर घंटा। बस यही निकालना था। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।